कश्मीरियों की आवाज के साथ आवाज मिलाते हुए एक वाजिया पैगाम जो दिया है कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले पर किसी किस्म की कोई लचक नहीं दिखाएगा। पाकिस्तान के लिए कश्मीर हमारी शाहराह और कश्मीरियों की जदोजहद आजादी हासिल करने तक पाकिस्तान हर हद तक जाने के लिए तैयार है और जाएगा। इंतहा पसंद मोदी ने अपने अमल से दुनिया पे ये साबित कर दिया कि वो सेकुलर स्टेट की बजाय एक इंतहा पसंद हिंदू स्टेट में तब्दील हो चुका है और वो तमाम हिंदुस्तान में बैठे हिंदुस्तानी शहरी जिन्होंने उस वक्त कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के दो कौमी नजरिए से इख्तलाफ किया था, आज के दिन यकीनन कायद की बसीरत विजन और आने वाले हालात के मुतालिक जो आगाही थी उस पे वो कन्विंस्ड हो चुके होंगे और आज वो भी पछता रहे होंगे कि उन्होंने हिंदू माइंडसेट जो था जो कायदे आजम ने पढ़ लिया था लेकिन वो हिंदू बनिए के वर्गलाने में आए और उन्होंने दो कौमी नजरिए को रिजेक्ट किया और आज वहां सेकुलर स्टेट की बजाय एक हिंदू इंतहा पसंद स्टेट का जो असल चेहरा हकीकी चेहरा दुनिया के सामने आया है वो इंडिकेट कर रहा है कि हिंदुस्तान अकलीतों के साथ और खसूसन मुसलमानों के साथ जो सलूक करने जा रहा है, ये कश्मीरियों के साथ जो उसने स्याह कानून साजी के जरिए उनके हकूक पे डाका डाला है, आने वाले दिनों में इस तरह के मजीद इकदाम दुनिया की आंखें खोलेंगे। आज मैं वादी के अंदर जो हिंदुस्तान ने मीडिया की रसाई को रोका हुआ है, जिस तरह सोशल मीडिया पे पाबंदी है, आपकी हर जरिया कम्युनिकेशन जो लाइन नंबर है मोबाइल नंबर है किसी तरह भी कश्मीर की वादी के अंदर रहने वाला इस वक्त लैंडलॉक का शिकार है। हिंदुस्तान ने उन कश्मीरी नहत्ते कश्मीरियों को जिस तरह लैंडलॉक किया है इसकी हम मजम्मत करते हैं और इस बात का हदशा जो एक बच्चे की सरकारी वाईफाई से उसने बैठ के वीडियो रिलीज की है जिसने तहलका मचाया है और कश्मीरियों के जज्बात एहसासात की तर्जमानी की है कि कश्मीर के अंदर बैठा बच्चा क्या सोच रहा है, तो आज हिंदुस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि बैनुल अक़वामी मीडिया